समुद्री चक्रवाती तूफान यस ने जिस तरह का कहर मचाया है, जिस तरह से तबाही मचाई है, वो डराने वाली है। काफ़ी लोग बेहाल है, परेशान है अपने घरों से। काफ़ी लोगों के घरों में पानी जा चुका है। ऐसे में लोग बेहाल है और ऐसे में मदद को आगे आए प्रेसिडेंट मोहम्मद शमशेर आलम साहब, ख्वाजा गरीब नवाज पीपल सोसाइटी के तरफ से, और लोगों को मदद मुहैया करवाने में जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं, इनके जो टीम मेंबर है वो सभी मदद को जुटे हैं। हालात गंभीर है और ऐसे में ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँचे और फिर से जो जीवन सेवा है वो सही ट्रैक पे आ सके। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह का ये लोग जो काम कर रहे हैं, आगे किस तरह की मदद की हेल्प, हर तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प है वो पहुँचाया जाए। तो आप बताइए मोहम्मद शमशेर आलम साहब कि आप लोग किस तरह का हेल्प लोगों को पहुंचा रहे हैं और किस किस तरह का साधन जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा गरीब नवाज बदतल्ला पीपल सोसाइटी की जानिब से जी आप तमाम लोगों का पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने इस काम में हम लोगों का भरपूर ताउन किया। और यह साइक्लोन आने के बाद वार्ड नंबर 140, वार्ड नंबर 141 और वार्ड नंबर 7 मटिया बुरुज असम्बली इलाका में बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है जी। हम लोग का ये अदारा बदतल्ला ख्वाजा गरीब नवाज पीपल सोसाइटी की जानिब से मुसलसल 28 तारीख से हम लोग अयूब नगर कंचन तल्ला भागाकाल के बस्ती में 28 तारीख को हम लोगों ने 500 पैकेट फूड, 500 पैकेट बोतल और 500 पैकेट बिस्कुट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा। उसके बाद वार्ड नंबर 7 में रविंद्र नगर थाना के मातहत हम लोग फुल बस्ती और सत्यपीर बाबा का मजार वाला रास्ते पे जो लोग बांस बांध करके गुजर बसर कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने फूड मुहैया कराया। अच्छा। और हम लोगों की टीमों ने फैसला किया कि बाढ़ में बहुत से लोग या साइक्लोन में बहुत से लोगों का कपड़ा बहुत बर्बाद हुआ है, तो आज हम लोग यहाँ पे जेंट्स के लिए पंजाबी पैजामा, लुंगी, शर्ट, जीन्स पैंट और पैंट का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। साथ ही साथ बच्चा लड़का लोग का पैंट है, जीन्स पैंट है, टी शर्ट है, शर्ट है। औरतों के लिए हम लोगों ने साड़ी, नाइटी, सलवार जम्पर का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। छोटी बच्ची लोग का फ्रॉक लोगों ने हम लोगों को दिया है। मैं फिर से तमाम उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बरतल्ला ख्वाजा गरीब नवाज पीपल सोसाइटी की जानिब से माह रमजान में भी हम लोगों ने 8 मई को माह रमजान में भी इस अदारे के जरिए हम लोगों ने 700 लोगों को कपड़ा तकसीम किया था। उसके बाद जैसे यह साइक्लोन आया हमारे इस अदारे ने 28 तारीख से लेकर के अब तक हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट किए और इंशाल्लाह आइंदा कल हम लोग दोपहर 3 बजे वार्ड नंबर 7 में रविंद्र नगर थाना के मातहत हम लोग फूल बस्ती, अखड़ा फाटक और सत्यपीर बाबा का बाजार में हम लोग ये कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मेरा दोस्त और मेरा यजीज मेहताब आलम और ये लाल भाई, ये छोटू बाबू और बहुत से लोग यहाँ पे शामिल थे। रात करीब पार हो गया है इसलिए बहुत से लोग आहिस्ते आहिस्ते अपने घर के तरफ लौटे और हम लोग इंशाल्लाह रहमान कल अपनी कारवां लेकर के हम लोग जरूरतमंद के दरमियान इस कपड़े को बांटेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लेडीज़ का भी कपड़ा है सब, यहाँ लेडीज़ का भी कपड़ा है जो मेरे भाई एक जगह कर रहे हैं। तकरीबन 1000 लोगों को हम लोग ये कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम मुसलसल ये प्रोग्राम हफ्ता भर हम लोग का ये कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट का चलेगा और आप लोग का ताउन रहा
तो इसी तरह खिदमत खल्क का काम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो आपने देखा कि सभी तरह का सेवा जो है ये लोगों को मुहैया करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी नियत में और भी बरकतें अता फरमाए और इसी तरह का जो मदद सेवा लोगों को मुहैया करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।